पेडिक्योर करवाने क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हटा है तो और करवा चौथ भी है तो मैं सोचा नेल्स करवा लेती हूँ। बैक टू बैक फेस्टिवल्स हैं तो नेल्स करवाने का काफ़ी मन था तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है नेल्स मेरे। और उसके बाद घर आने के बाद मैंने यहाँ पे जो कल के पूजा की थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख ले रही हूँ। जो भी आरती की थाली और ये थाली करवा चौथ वाली जो पूरी सेट होती है ना थाली वाली, ये मैंने इंडिया से मंगाया है तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। और लगा लिया है मैंने अपना मेहंदी, तो एक हाथ में मेहंदी तो काफ़ी अच्छे से लग जाती है और दूसरे हाथ में मैं लगाऊंगी कल क्योंकि काफ़ी यहाँ लेट हो गया है और अब हो गया मॉर्निंग का 3:30। तो स्विगी के लिए मैं उठ गई थी 3:30 बजे और उसके बाद ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं जाता स्विगी में, तो बस यही थोड़ा बहुत खाया है, चाय वगैरह ले लिया है एंड ये हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैं सबसे पहले नहाने के बाद जो है ना पूजा की सारी तैयारियाँ कर लूँगी क्योंकि क्या होता है ना सुबह जल्दी उठ के अगर पूजा की मैक्सिमम प्रिपरेशन कर लो तो ऑलरेडी लगता है कि काफ़ी काम हो गया है क्योंकि फिर बाद में ना लंच वगैरह की तैयारी करने में मैं लग जाऊँगी। तो यहाँ पे जो मेन जो करवा माता की जो कैलेंडर होती है उनको मैंने अच्छे से चौकी पे लगा के रख लिया है और मुझे पूजा के लिए जो फ्लावर्स अब ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है और मेरे बैकयार्ड में ही काफ़ी सारे फ्लावर्स आ रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं जो फूल वगैरह है वो लेकर के रख दूँगी पूजा घर में। गुड मॉर्निंग। और जो मेन करवा चौथ की थाली होती है वो भी मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है और श्रृंगार का सामान भी मैंने एक जगह सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया है क्योंकि फिर ना फिर चीज़ें बाद में कभी मिलती नहीं है तो मैं सब कुछ एक जगह रख लेती हूँ तो थोड़ा इजी हो जाता है। और फिर अब मैं आ गई हूँ लंच के प्रिपरेशन में, तो लंच के लिए मैं आज बना रही हूँ छोले, छोले के साथ मैं बना रही हूँ भटूरे। तो भटूरे का आटा तो मैंने एक दिन पहले लगा के रख लिया है क्योंकि फिर उससे ना भटूरे काफ़ी अच्छे बनते हैं और मैं सबके लिए गर्मा गर्म भटूरे निकाल रही हूँ और छोले भी बहुत टेस्टी से लग रहे हैं। टेस्ट मैंने नहीं किया है बट देख के होता है ना, एक फेस्टिवल या फिर आपका व्रत हो ना उस दिन अलग ही एक टेस्ट आता है खाने में, जबकि टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं बट हाँ वो उस दिन ना एक बहुत ही ना अच्छा टेस्ट आ जाता है खाने में। और उसके बाद जो हमारे नेबर्स हैं उनको हमारे हाथ के छोले भटूरे स्पेशली मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने उनके लिए भी ये पैक कर दिया है। मैं Hey everyone, welcome back to my channel and happy Karwa Chauth। जितनी भी pretty women हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं जो भी fast करती हैं उन सभी को happy Karwa Chauth। आज का मौसम इतना ख़राब है, इतना ख़राब है लाइक बारिश ही हो रहा है, कल रात से दो दिन से ही बारिश हो रहा है। और जब वैसे भी जब यहाँ पे ना चांद हमेशा 12:30-12 बजे ऐसे दिखता है और जब ऐसा बारिश टाइप का वेदर होता है ना उस टाइम तो और भी चांद देखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा है नाम, बताना आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी। इस हाथ में तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन लगे, बताना मेरे नेल्स भी कैसे लग रहे हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन हटा है ना तो बस हम लोग टूट पड़े हैं नेल्स पे, फिर जो थोड़ा बहुत आईब्रोज वगैरह था वो सब तो भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर दिया है आज का ब्लॉग, होपफुली ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है लाइक करवा चौथ पे वो भी मंदिर जाना किसको नहीं अच्छा लगता, तो बस हम जा रहे हैं मंदिर और वहाँ पर जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं।
मंदिर से अब जा रहे हैं घर, और जो ये न्यू मंदिर है ना काफी सुंदर है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलता, जो कि ना फेस्टिवल वाले दिन इतने सारे काम हो जाते हैं, करते करते पता नहीं चलता कब दोपहर के 1:30-2 बज गए। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आलता, और आलता वगैरह लगाने के बाद मैंने जो बिच्छू वगैरह होते हैं ना वो फेस्टिवल पे थोड़े हैवी से डालना होता है, तो वो सब कर लिया है मैंने। और अब ना मैं अपना जो भी शाम में मैं पहनूंगी वो सारी चीज़ें निकाल के अरेंज करके रख लूँगी कि मुझे क्या क्या पहनना है। तो एक जगह चीज़ें रख लो ना तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग कम हो जाता है, और यू नो रेडी होना है तो फटाफट चीज़ें आपके सामने रहती हैं ना, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। और ये जो मेरी पायल है जो कि बहुत ही प्यारी सी है, मैंने इंडिया से ही मंगाया है, कि जो करवा चौथ का जो पूजा होता है ना वो सब मैंने कर लिया है। कथा सुननी होती है, इसमें आरती करना होता है। और पहले क्या होता था ना कि यहाँ पे ना हम ग्रुप में, जैसे कहीं पे भी होता है ये पूजा, तो हम लोग जाते थे और वहाँ पे ना काफ़ी अच्छा पूरा थाली वगैरह घुमाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। बट इस बार ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादा नंबर में गैदरिंग अलाउड नहीं है। अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर अब ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है ना सब औरतें मिलके करो तो काफ़ी अच्छा लग जाता है, ऐसे तो अकेले घर में करना है तो भी हो जाता है। पूजा, क्योंकि अभी तो शाम में ना ऐसे तिलक वगैरह मैं लगा देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और जो उसके बाद, क्योंकि ना काफ़ी 12:30 हो ही जाता है चाँद निकलते निकलते, तो उस टाइम मैं प्रॉपर जब चाँद की पूजा करने के बाद फिर से करूँगी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि संडे, इस बार करवा चौथ संडे को था, और वैसे भी हस्बैंड छुट्टी पे ही थे, ऑफिस का कोई काम नहीं था, तो काफ़ी हेल्प मिल गया। बट जो हम लोग का काम होता है खाना वगैरह का, वो तो रहता ही है, और बच्चे हैं घर में, तो बस वही मैं डिनर में ये काजू पुलाव बना लिया था। और काम बैक टू बैक रहता ही है तो काम से ना थोड़ा मन भी लग जाता है, और इतना ना बोरिंग सा भी नहीं होता। अदरवाइज फास्ट में क्या करना है, बैठे बैठे टाइम भी नहीं वो होता। तो बस यहाँ पे मैंने पुलाव रेडी कर लिया है, और उसके बाद रिशान का डिनर करा रही हूँ मैं। और फाइनली यहाँ पे चांद निकला ही नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट 1:00 हो गया था और बारिश हो रही थी, तो मैंने यहाँ अपने बैकयार्ड से ही पूजा कर लिया था चांद का, और व्रत वगैरह अपना खोल लिया। और यहीं पे मैं एंड करती हूँ आज का व्लॉग। होपफुली ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब इट। और अगेन मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।